तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि महाराष्ट्र में कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एंड कितने ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिन्हें ऑटोनॉमी का जो स्टेटस है वो मिला हुआ है, साथ ही में इनका जो कट ऑफ है वो कितना जाता है वो भी हम इसमें देखेंगे, एंड कौन से गवर्नमेंट एडेड एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेजेस है वो भी गाइस मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ, क्योंकि इनका गाइस ओवरऑल जो फी स्ट्रक्चर है वो भी कम होता है एंड कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है इसमें जिनमें गाइस अगर आपको एडमिशन मिलता है तो ओवरऑल आपको जो प्लेसमेंट्स है वो भी बहुत बढ़िया मिल सकता है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए गाइस ताकि आपको ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो चलिए गाइस देखते हैं कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्हें गवर्नमेंट का जो स्टेटस है वो मिला हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। तो इंस्टीट्यूट कोड वाइज गाइस मैंने इन्हें जो है वो अरेंज किया हुआ है। तो पहला है गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो ज़रूर आप ले सकते हो। साथ ही में गाइस इसे जो है वो ऑटोनॉमी का जो स्टेटस है वो भी मिला हुआ है। तो जनरली गाइस आप प्रीफर कर सकते हो ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना जिन्हें ऑटोनॉमी का स्टेटस मिला हुआ है, वो जो है वो ज़्यादा बेटर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज। तो ऑटोनॉमी का स्टेटस अगर मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज को तो और भी वो जो है वो बेटर हो जाता है। अगर इंस्टीट्यूट कोड देखते गाइस तो इसका इंस्टीट्यूट कोड है 1002 एंड यहाँ पे गाइज मैंने जो कट ऑफ्स है वो भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे कैपराउंड 1 का सीएस का जो कट ऑफ है गाइज वो इस कॉलेज का जाता है 96 के आसपास। अगर कैटेगरी का आप देखोगे तो थोड़ा कम जाता है, सेकंड राउंड थर्ड राउंड में भी थोड़ा कम हो सकता है, बट ओवरऑल इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो सीएस का तो आपको हाई ही जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कॉलेज आता है गाइज फिर यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद, ये भी एक अच्छा कॉलेज है। औरंगाबाद के अंदर अगर आप कॉलेज ढूंढ रहे हो तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। साथ ही में इस कॉलेज को ऑटोनॉमी का जो स्टेटस है वो भी मिला हुआ है। इस कॉलेज कोड आप देख सकते हो, साथ ही में इसका भी जो सीएस का कट ऑफ है वो हाई जाता है, गवर्नमेंट अमरावती से भी हाई इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो सीएस का जाता है 97.21 पे जो है वो पिछले साल कैपराउंड 1 में जो है वो क्लोज हुआ था। ओपन का कैटेगरी का आपको जो है वो थोड़ा कम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंद्रपुर, ठीक है, ये एक ठीक कॉलेज है। इसका अगर हम इंस्टीट्यूट कोड देखते हैं तो ये 4004, फिर यहाँ पे आप सीएस का जो कट ऑफ है वो देख सकते हो 86 के आसपास है। ये इतना अच्छा भी नहीं माना जाता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बाकी, तो इसके बारे में सोच सकते हो, बाकी जो ऑटोनॉमस है वो बेटर है। फिर नेक्स्ट है गाइस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, ये भी एक ठीक ठाक ऑप्शन है। यहाँ का मैंने कैंपस टूर वीडियो भी बनाया है, रिव्यू भी बनाया है, आप देख सकते हो। 4025 इसका इंस्टीट्यूट कोड है, 96 के आसपास जो कट ऑफ है वो आपको इसका जो है वो देखने को मिल जाएगा। प्लेसमेंट वाइज भी ठीक ठाक आपको ये जो कॉलेज है वो देखने को मिल जाएगा। कैंपस वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट है गाइस फिर यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च अवसरी अक्रूड, ये भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है आपके लिए। 6004 इसका इंस्टीट्यूट कोड है एंड इसका जो कट ऑफ है वो 94 के आसपास जो है वो जाता है, तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। नेक्स्ट है गाइस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड़, ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप गवर्नमेंट के बारे में सोच रहे हो तो इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हो, ये गवर्नमेंट भी है साथ ही में इसे ऑटोनॉमी का जो स्टेटस है वो भी मिला हुआ है। 6005 इसका इंस्टीट्यूट कोड है एंड यहाँ पे आईटी ब्रांच है, तो 96 के आसपास इसका जो कट ऑफ है वो जाता है। तो जो भी गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेजेस है गाइस उनका जो कट ऑफ है वो आपको 96, 95, 93 ऐसे ही जो है वो देखने को मिलेगा, तो कट ऑफ जो है वो थोड़ा हाई जाता है। अदर ब्रांचेस का कट ऑफ आपको थोड़ा जो है वो कम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है गाइस फिर यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यवतमाल, ये इसका आप देख सकते हो इंस्टीट्यूट कोड 1012 है एंड इसका कट ऑफ जो है वो कम जाता है, ठीक है, ये ऑटोनॉमस नहीं है एंड इतना प्रेफरेबल नहीं है स्टूडेंट्स की ओर से, तो इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स मतलब अवॉइड करते हैं या फिर जो लेते हैं तो फिर कम परसेंटेज पे आपको ये जो कॉलेज है वो मिल सकता है। आप प्लेसमेंट्स वगैरह देख सकते हो बट मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा। नेक्स्ट है गाइस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रत्नागिरी, इसका इंस्टीट्यूट कोड आप देख सकते हो 3042 है। इसका जो कट ऑफ है वो और भी नीचे जाता है, AIDS आपको यहाँ पे जो ब्रांच है वो मिल जाएगी बट कट ऑफ बहुत कम जाता है एंड इतना प्रेफरेबल नहीं है। नेक्स्ट है गाइस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जलगांव, ये भी एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। 5004 इसका इंस्टीट्यूट कोड है एंड कट ऑफ 92 के आसपास जो है वो जाता है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिस्ट में जो फुल्ली गवर्नमेंट है जिसमें आप अमरावती, औरंगाबाद, खुरूड, अक्रूड, कराड, नागपुर का भी सोच सकते हो एंड जलगांव का जो है वो सोच सकते हो, ये कुछ अच्छे ऑप्शंस है। नेक्स्ट है गाइस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे जिसका नाम अभी COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बन चुका है। तो पहले गाइस ये फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज होता था, अब गाइस इसे जो है वो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कर दिया, तो अभी ये जो है
वो यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस इसका जो स्टेटस है वो हो चुका है एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इस पूरे महाराष्ट्र में। इसका इंस्टीट्यूट कोड है 6006 एंड जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट सबसे हाई जाता है। 97 सीएस का रैंक गया था एंड कट ऑफ देख सकते हो 99.91 के आसपास फर्स्ट राउंड में जो है वो ओपन का कट ऑफ गया था। कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो और भी कम जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे गाइस ऐसे कॉलेजेस के बारे में जो कि गवर्नमेंट एडेड है, फुल्ली गवर्नमेंट नहीं है बट गवर्नमेंट एडेड है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस के आपको जो कॉलेजेस है वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आएगा इस यहाँ पे वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट माटुंगा VGTI। ठीक है, ये भी एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है एंड ये एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इस मुंबई के अंदर एंड इसका इंस्टीट्यूट कोड है 3012 एंड सी एस का अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो 99.90 के आसपास जो कट ऑफ है वो जाता है। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, अगर ये मिलता है तो बिल्कुल आप इस कॉलेज में जो है वो एंट्री ले सकते हो। नेक्स्ट है गाइस सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अंधेरी, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ये भी आपको ऑटोनॉमस देखने को मिल जाएगा, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। इंस्टीट्यूट कोड आप देख सकते हो 3014 इसका इंस्टीट्यूट कोड है। यहाँ पे आपको मैकेनिकल CS ब्रांच नहीं मिलेगी, यहाँ पे मैक है एंड और एक दो ब्रांच है। इसका कट ऑफ 97 के आसपास जाता है, मैक में 97 जाता है। ठीक है, बाकी कॉलेजेस का मैक का अगर आप देखोगे तो बहुत कम जाता है, इसका हाई जाता है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह भी अच्छा है, साथ ही में ऑटोनॉमी का स्टेटस भी मिला हुआ है। ओवरऑल ये जो कॉलेज है वो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट है गाइस फिर श्री गुरु गोविंद सिंह जी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नांदेड़ के अंदर ये जो कॉलेज है वो आता है। ये भी गाइस एक गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस कॉलेज आपको जो है वो देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा कॉलेज। इसका जो इंस्टीट्यूट कोड है वो जाता है 2020 एंड जो CS का कट ऑफ है गाइस वो 95 के आसपास जो है वो हो जाता है। अगर आप नांदेड़ रीजन के आसपास कॉलेज देख रहे हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपके लिए रह सकता है। फिर नेक्स्ट है गाइस वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो जरूर इसका डिटेल वीडियो देखना। बहुत अच्छा एक कॉलेज है, प्लेसमेंट वाइज भी बहुत अच्छा है, आपको यहाँ पे 30-35-40 लाख प्लस LPA के जो पैकेजेस है वो देखने को मिल सकते हैं एंड इसका जो कट ऑफ है वो भी 99.32 के आसपास जो है वो CS का जाता है। अदर ब्रांच का कट ऑफ थोड़ा कम है बट एज सच बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट एडेड एंड ऑटोनॉमस कॉलेजेस है गाइज ये चारों जितने भी कॉलेजेस है इसमें तो ये बहुत बढ़िया कॉलेजेस है, अगर ये मिलता है तो कोई भी आप जो है वो ले सकते हो। स्पेशली जो VGTI है, जो SPIT है एंड वालचंद सांगली है, ये तीनों जो कॉलेजेस है वो बेस्ट कॉलेजेस है, इनमें अगर आपको एडमिशन मिलता है तो बहुत बढ़िया जो है वो आपके लिए रह सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइज हम ऐसे कॉलेजेस के ऊपर जो कि मैनेज किए जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिन्हें हम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेजेस बोलते हैं। इनका भी जो फीस स्ट्रक्चर है गाइज वो कम रहता है। ठीक है, तो अगर हम फीस के बारे में बात करें तो देखो जो फुल्ली गवर्नमेंट होता है, जो ऑटोनॉमस नहीं होते, उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो सबसे कम में आपको जो है वो देखने को मिलेगा। फिर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेजेस है, इनका फीस स्ट्रक्चर आपको कम देखने को मिलेगा। फिर जो फुल्ली गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेजेस है उनका फीस स्ट्रक्चर आएगा एंड फिर जो गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस कॉलेजेस है उनका फीस स्ट्रक्चर आएगा। बट कॉलेज पर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी फीस जो है वो लेते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। बट जो फुल्ली गवर्नमेंट होते हैं, ऑटोनॉमस नहीं होते, उनका ही सबसे कम आपको जो फीस है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें मैक्सिमम जो कॉलेजेस है गाइज वो केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो ब्रांचेस है वो प्रोवाइड कराते हैं। जैसे यहाँ पे है संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंटल कॉलेज, इसका इंस्टीट्यूट कोड है 1005। यहाँ पे गाइज आपको फूड टेक्नोलॉजी की ब्रांच मिल जाएगी एंड केमिकल से रिलेटेड ब्रांचेस जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। 67 के आसपास जो कट ऑफ है वो जाता है। नेक्स्ट है गाइस लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर, अगर केमिकल इंजीनियरिंग आप करना चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। केमिकल के लिए ये बहुत ही वेल नोन कॉलेज है एंड यहाँ पे भी फूड टेक की ब्रांच एंड केमिकल से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे जो ब्रांच है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। कट ऑफ 82 के आसपास जो है वो ओपन कैटेगरी का जाता है, कैटेगरी वाइज और भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है गाइस फिर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव, ठीक है, इसका 5003 कट ऑफ ये है इंस्टीट्यूट कोड एंड आप देख सकते हो 71 के आसपास जो कट ऑफ है वो जाता है। फिर नेक्स्ट है गाइस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी औरंगाबाद, ये भी एक ठीक कॉलेज है, आप देख सकते हो अगर आपको केमिकल से रिलेटेड करना है तो यहाँ से कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है गाइस फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग की ब्रांचेस मिल सकती है, जिसमें यहाँ पे CSB है जिसका कट ऑफ जो है वो 80 के आसपास जो है वो जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप मुझे पूछते हो कि बेस्ट इसमें से कौन से जो कॉलेजेस है वो रह सकते हैं तो वो भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। तो फुल्ली गवर्नमेंट में अमरावती के एक बेस्ट ऑप्शन है, औरंगाबाद एक बेस्ट ऑप्शन है, नागपुर के बारे में आप सोच सकते हो, कराड़ एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जलगांव का भी अच्छा ऑप्शन है, खुरूड का भी, अवसरी वाला आप जो है वो देख सकती हो, कुछ बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पे मिलता है तो ज़रूर आप ले सकते हो।
फिर गवर्नमेंट एडेड में तीन तो बहुत ही बेस्ट कॉलेजेस है, जैसे VGTI हो गया, SPIT हो गया एंड वालचंद हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आप जो है वो सोच सकते हो, बिकॉज वो नांदेड़ रीजन में कॉलेज है, ठीक है। तो अगर आप उधर ही हो तो ले सकते हो, अगर आप पुणे मुंबई में हो तो फिर उसके बारे में सोच सकते हो। एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट तो मैं केमिकल से रिलेटेड है, तो लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट एक बेस्ट हो सकता है अगर आपको केमिकल से रिलेटेड ब्रांचेस में एडमिशन लेना है तो, ठीक है। ये जो लिस्ट है गाइज वो आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड डिटेल में सारी जो चीज़ है वो देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसी वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।